तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर घास खाते हैं? ट्रैफिक तो बहुत ही है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? गया कि गर्मी से दूर जाते हुए हम लोग 44 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ, और यहाँ से जाते हैं आगे। फाइनली गया से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ सिलीगुड़ी, और ये है हमारी बस। इस बार जय जगदम्बे, और चलते हैं इसके अंदर। बस में आ चुका हूँ गाइस, और पूरा गर्म है अभी, धूप में खड़ी थी बस, एसी जस्ट अभी ऑन हुआ है तो पूरा हीट है, कुछ देर में ठंडाएगा तब। बस रुकी है ढाबे पे, अब लोगों ने यहाँ खाया रोड इधर का। 11 बज रहे हैं और अभी हम हैं सिलीगुड़ी, काफ़ी लेट पहुँची है बस, लगभग 5 घंटे लेट, और देखने जा रहा हूँ मिरिक का, क्योंकि यहाँ से तो आइडिया नहीं था किधर जाने का। चलते हैं मिरिक। मिरिक उधर है तेंजिंग नॉर्गे बस टर्मिनल, और उसके जस्ट सामने है सिलीगुड़ी जंक्शन, और यहाँ पर मिलेगा आपको मिरिक की ये छोटी छोटी जीप महिंद्रा वाली, और सामने कटती है टिकट, और ये रहा टिकट 200 पर हेड, और ये है हमारी आज की गड्डी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मिरिक लेक के पास, और इस तरफ है लेक, और यहाँ पे हमें टैक्सी ने ड्रॉप किया है। आएंगे यहाँ बाद में, पहले चलते हैं खाने कुछ। सामने है मिरिक लेक, और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं चावल। अभी पहुँचे हैं हम मिरिक में, चावल के साथ मिला हमें ये साग, चिप्स, सलाद, सब्जी, पापड़, दाल, और ये चटनी, साथ में अलग से प्याज। हालांकि चावल कम है, खा रहे देखते हैं। फाइनली हम हैं मिरिक की सड़कों पे, गलियों में, और जा रहे हैं होम स्टे ढूँढने। यहाँ से आगे जाके फिर लिफ्ट लेते हैं, और यहाँ पर है बोकार मोनेस्ट्री जाने वाले रास्ते में, और हम लोग जाते हैं थोड़े ही डिस्टेंस पे, शायद हमारा होम स्टे है। फाइनली वी हैड रीच आवर डेस्टिनेशन, और ये रहा हमरो घर, हमारा होम स्टे, 2 दिन यहीं रुकने वाले हैं। काफ़ी सुंदर गेट है। हेलो, फ्लावर्स काफ़ी अच्छे हैं। Wow, well done. Ah, cut. Yes. Ah, yeah, तो ठंड है काफी अच्छा। काफी अच्छा ठंड है। टेंपरेचर काफी अच्छा। हाय, आई जस्ट मैसेज यू, यू नो द घड़ी का टाइम ऑलमोस्ट 2 o'clock, लेट का तो कितना लेट, हु इज आर यू राजीव, और ये है हमारा स्वागत करते हुए, और इस तरफ है रूम, ऐसे चार का रूम, टू बेड्स, और इस तरफ विंडो, सामने अच्छा व्यू आ रहा है, ऐसे देख सकते हैं, और टेरेस से भी और अच्छा व्यू आता है। पेंटिंग काफ़ी अच्छी लगी हुई है, और ये मिरिक का ही व्यू है शायद, शायद अच्छा है, काफ़ी अच्छी प्लेस है, और नीचे कर्टन भी लगा हुआ है। हम आगे देखेंगे जब बाहर निकलेंगे, तब तो बाहर का नज़ारा।
और ये है यहाँ पर स्थित एक मंदिर, लेक के बगल में ही सार्वजनिक किरातेश्वर मंदिर शंकर भगवान का। और इस तरफ वहाँ एक मूर्ति भी है। और इस तरफ से अगर हम पीछे चलते हैं तो काफ़ी सारे झंडियाँ लगी हुई हैं, त्रिशूल रखे हुए हैं, वहाँ पूजा की जाती है। तो ये हिंदू धर्म को मानने वाले यहाँ हैं और इस तरफ पूजा किया करते हैं। ये लकड़ियाँ वही धूप के काम में आती हैं, धूप जलाने के। और काफ़ी शांति है यहाँ पे, हर तरफ देखिए पेड़ काफ़ी ऊँचे ऊँचे और प्रॉपर साफ सफाई देखा जा सकता है यहाँ पे। सामने मिरिक टाउन और मिरिक लेक उस तरफ। यहाँ पर एक शुगर का बनाया हुआ है मूर्ति, ये वराह। चिड़ियों की चहचहाट के बाद यहाँ पर शांति आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप यहाँ आते हैं तो इस स्थान पर आकर के आप कुछ देर ज़रूर बैठें। और ये है मिरिक लेक। शाम का समय है फिर भी बोटिंग अच्छी हो रही है। मिरिक पुल के जस्ट गेट के पास ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शहीद इंद्रानी थापा और सावित्री थापा के बारे में बताया गया है। इसका स्टोरी मैं बता दूंगा अच्छे से। उनके नाम पर ये पुल डेडिकेटेड है मिरिक का। शहीद इंद्रानी थापा और सावित्री थापा, आयु 8-10 वर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना के बाल सेना या जवांज दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। जवांज दल का मुख्य कार्य आधुनिक समय के आत्मघाती दस्ते या मानव बमों जैसा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि एक ब्रिटिश टैंक उनकी ओर आ रहा है और वे असमंजस में पड़ गए क्योंकि आसपास कोई और भी उसे रोकने वाला नहीं था। तब सावित्री और इंद्रेनी तुरंत अपनी सेवाएं देने के लिए आ गए। उन्होंने नेताजी को आश्वासन दिया कि किसी भी कीमत पर टैंक को रोकेंगे। दृढ़ निश्चयी और साहसी होने के कारण उन्होंने अपने शरीर पर छद्म बम रखे। वे एक खाई में लेट गए और खुद को घास से ढक लिया। जब निकट आ रहा टैंक उनके ऊपर से गुजरा तो बम फट गया और टैंक नष्ट हो गई। जवांज दल के दोनों किशोरियों इंद्रेनी थापा और सावित्री थापा ने ब्रिटिश टैंक को उड़ाकर शहादत प्राप्त की और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर नेताजी और अन्य लोगों की जान बचाई। किशोरियों की यह कहानी देश को याद दिलाएगी कि गोरखाओं ने भी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया और आज भी दे रहे हैं। मेरी कैयर लेक आपको नैनीताल का लेक से कम नहीं लगेगा। हालांकि रात में यहाँ बोटिंग बंद हो जाती है लेकिन नैनीताल में रात में ओपन रहती है कुछ देर तक। यहाँ 5:30 बजे तक सारा समाप्त हो जाता है बोटिंग का समय। वहाँ चलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर। काफ़ी सुंदर लेक है, वहाँ पर देखते हैं। काफ़ी भीड़ है। और पुल के इस तरफ काफ़ी हैपनिंग चीज़ें हो रही है। सारे लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ चल रही है। साइड बाई साइड यहाँ पर घर भी हैं और दुकान और बहुत छोटे छोटे मार्केट टाइप से अच्छा अच्छा खाने का भी बना हुआ है। थोड़ा सा लेक का हिस्सा इस तरफ भी है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ट्रिप। और इधर से गो बोध भी स्टार्ट हुए मोनेस्ट्री हम लोग कल जाएंगे। और यहाँ पर है नगर निगम। थोड़ा सा लिंक इस साइड भी है और ठीक इसके इस तरफ है हमारा LIC का बोर्ड।